हाई यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ मी संगम मित्रा. एंड आपने टाइटल पढ़ के समझ लिया होगा कि टुडेज व्लॉग इज़ द मोस्ट स्पेशल व्लॉग आई एम शूटिंग, बिकॉज जो मुझे करना है आज अपनी मॉम के लिए, भी मैं बहुत सालों से नहीं होता एक मैनिफेस्ट करना, ड्रीम होना कि अपनी मॉम के लिए मैं कुछ करूँगी, तो आज मैं वो चीज़ करने जा रही हूँ. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. बट अभी आई एम गोइंग फॉर सम वर्क. बहुत अंग्रेजी हो गई. अभी मैं काम के लिए जा रही हूँ. मेरा पुलिस वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या वेरिफिकेशन है, मैं करवाने जा रही हूँ. उसके बाद मैं लेके जाऊँगी मम्मी को उनकी ज्वेलरी लेने. एंड हम लोग, मैं अभी आ गई हूँ घर. मम्मी को यहाँ से लेके हम लोग जा रहे हैं उनका. पापा आगे आ जाइए, एकदम छाँव में लग रहे हैं. इतना सीरियस लुक काहे दे रहे हैं? और पूरी फैमिली आज जा रही है क्योंकि हम लोग एक शादी भी अटेंड करने वाले हैं, तो हम लोग को कुछ कुछ सामान लेना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं. सो इट्स लाइक अ डे आउट विथ माई फैमिली. एंड अगर पापा अलाउ करें तो हम लोग अच्छे से रात में डिनर भी करेंगे. लेट्स सी, लेट्स होप एंड लेट्स गो आउट नाउ. गाइज, मेरी मम्मी की हाइट इतनी छोटी है. उन्होंने जो जीन्स लिया था वो यहाँ सब था. माँ, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5 feet 4 inch. पाँच फीट है यार. ये जीन्स मैंने इतने शौक से मंगवाया था, पता है कल तक ये फिट था, तुम्हें देख के ये लूज. आज आप, आज हमको लग भी रही हो, हम लेओवर से आए हैं तो आप लग रही हो कि 4 kg बढ़ गया आपका. तो बढ़ गई तो ये फिट हो जाना चाहिए ना, ये लूज क्यों लग रहा है? लमड़ गया फुल टाइम जूता ही साफ करता रहता है, जूता पहनता रहता है, और जो मेरा ब्रश करने वाला ब्रश होता है उससे इस लड़के का रोज जूता साफ होता है. जो आप हमको नया ब्लू वाला ब्रश दिए थे पापा, याद है? उससे ही लड़का जूता साफ किया है. मुझे नहीं पता था तुम्हारा. अरे तो रखा हुआ था कोने में, मुझे लगा डिस्कार्डेड है. तो अब मैं पूछने थोड़ी जाता सुबह सुबह से. ये घर पे सारे का टूथब्रश ये से ना, ये जूते अपनी साफ करता है. सबके टूथब्रश से. और इसे लगता है ना कि मेरा जूता ज्यादा अच्छा है लोगों के ब्रश से. मेरा भाई कह रहा है जूता देख के कि दूरी से नकली लग रहा है. तो तुम्हारे पास पैसा है, हमें पास नहीं है इतना अच्छा जूता लेने का. सच में दिखा एक बारी फिर. मजाक कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रही हो. क्या? बस ऐसा लग रहा है नीचे धोती और ऊपर टॉप पहन लियो. अरे सुनो, बैग उतारो. अरे मजाक करो ना. टुडे इज मदर्स डे ऑल्सो, एंड ऑफकोर्स आई एम टेकिंग माई मॉम फॉर द ज्वेलरी थिंग. बट मेरे पास एक और चीज़ है उनको गिफ्ट देने के लिए. पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मॉम को दिखा के पूछते कि उनको कैसे. सबसे पहले मैं इस ब्रांड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये बैग भेजा है ऑन मदर्स डे स्पेशली, बिकॉज यू नो दिस बैग इज एक्चुअली यू नो मेड फॉर मदर्स. ओके, आस्क मी व्हाई. फर्स्ट, दिस बैग यू नो इट लुक्स रियली क्यूट, इंडियन ब्रांड है. दूसरी बात यह कि ये क्रूल्टी फ्री है, उसमें जो लेदर यूज हुआ है वो भी वीगन है. तो मतलब इट्स सो काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल, जस्ट लाइक आर मदर्स. आई होप मैं उनको दूँ तो अच्छा लगे. और दूसरी, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैग देखने में तो क्यूट है, इस पर मुगल आर्ट ये सब कुछ बना हुआ है, बट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग bag, just like all the mothers out there in the world. I can't just wait to you know gift it to her and ask unko kaisa laga. Mamma, happy Mother's Day, and this is the bag. Wow. For you. Thank kaisa laga? Thank you so much. Beautiful, bahut sundar hai. Ek bar pehen ke dekho. It's nice na, aapke sare makeup products, paise waise sab kuch aa sakte hai isme. Guys, go ahead and buy the bag. The link is in description. You can check out their page on Instagram also. It's Zook. I'll mention it here. And let's go back. अब हमें घूमने भी जाना है तो चलते हैं. पहले यहाँ पे जाने वक्त सनस्क्रीन लगा रहे हम लोग, क्योंकि गाइस स्किन केयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. जस्ट लाइक दिस. ऐसे ही जाओ ना बेटा. आप तो चाहती ही हो कि हम आपसे कम सुंदर दिखें. अरे नहीं, सन से प्रोटेक्शन होगा, यूं जाओगी तो. ए मम्मी, मिलाओ इसको. कितना लगा. नो जा, व्हाट यू गया? अरे रुको बेटा. आई लुक सो मॉइस्चराइज्ड. बैठो. हमको गाड़ी में जब हम एक जगह बैठ जाते हैं हमको खिसकना एकदम नहीं पसंद है. सुन रही हो? हिल डुल नहीं सकती हो? नहीं. दूसरा बात करो ना. आपका इतना दुखी हो रहा है?
आपको तो खुश होना चाहिए। काहे पापा को खुश होना चाहिए? क्योंकि वो आदमी है। यहाँ एक आदमी कान पकड़ के अपनी बीवी को सॉरी बोल रहा था। जरूरी नहीं कि वो बीवी हो। जी यार मम्मी बहुत गलत सोच है आपका। ऐसे ऐसे कान पकड़ बेटा, कौन कौन हस्बैंड कान पकड़ के बीवी के सामने बैठता है ये बता दो। बताइए पापा। बैठे आप कभी? नुका गए। इसीलिए तो कह रहे कि ये बातें मत करो। देखिए गाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। पापा ने अपना मोबाइल छोड़ दिया है। आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गए हैं, हमेशा अपना मोबाइल छोड़ ही देते हैं हर जगह। हॉस्पिटल में भी पिछली बार छोड़ दिए थे और बोल दिए थे कि तुम छोड़ी हो। तो अल्लाह है, ये टूटल का अपना गाड़ी है। ये है अपना गाड़ी, ये बहुत टूटा हुआ गाड़ी है रे। यही है ना? खुला है तो यही है ना। ऑल आइस यहाँ पुलिस नहीं है बट मास्क पहनने के लिए टोक देते हैं। वापस में दिल्ली में मास्क पहनना आ गया है, नहीं तो चलान कट जाएगा 500 रुपए का। गाइस जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ, मुझे पता है कोई पुलिस है नहीं जो चलान काटेगा। अरे अपनी सेफ्टी के लिए भी मास्क लगाना होता है। हम लोग जिस मॉल में आए हैं उसमें तनिष्क का शोरूम ही नहीं है, तो अभी हम लोग को दूसरे मॉल में जाना पड़ेगा। जो चाहिए वो कभी मिलता ही नहीं है ना मम्मी। अरे इतना सेंटी का जो है उसमें खुश रहना सीखो। पापा कह रहे हैं अब ब्लॉग छोड़ दो, काम पे फोकस करो, बाद में ब्लॉगिंग करना। पापा को क्या पता ये ज्यादा जरूरी काम है। अच्छा देखो टर्किश डिलाइट। आऊंगा थोड़ी देर में। मैं आई हूँ एक बार उस मॉल पे, मुझे भी याद है अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के नहीं वैसे तो स्कूल के दोस्त थे वो। अबे तेरी उल्टी है। मेरे पापा को आदत नहीं है मेरे इतने व्लॉगिंग की, तो बेचारे मुझसे परेशान हो गए हैं, मतलब कि एकदम मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं। बैठ जाइए पापा, आप बैठिए ना। हाँ बैठिए। तुम क्या करने आए हो दुकान पे? अपने लिए कोई गाना देख लो। मैं ड्राइवर बन के आया हूँ। वो लड़की देख रहे हो कितनी सुंदर है? कैसे देख रहे हो बे? पहले देखा फिर बताया। मेरी मम्मी ने पता नहीं कौन सा डिजाइन कौन से सेलिब्रिटी को पहने देख लिया, तो उनको कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था दुकानों का। इतना प्रेम है इन दोनों, पता नहीं। अरे 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 अरे। मैं गिरने वाली थी। मैं तेरे गलों दबो के मोड़। मम्मी मॉल में सब देख रहे हैं। आ गई अभी, हम ले नहीं पाए मम्मी की ज्वेलरी बिकॉज उनको कोई भी डिजाइन एज सच अच्छे नहीं लगे। अरे टांग बड़ा हो गया, मेरे से तो बड़ा नहीं है आपका टांग। कुछ नहीं हो पा रहा है इनसे, बेचारी से। ए, हो गया, हो गया। ऐसा लगता है जैसे पत्थर है इसके अंदर। अरे गाना बंद करो, कभी तो अच्छे प्रोडक्ट्स ले लिया करो। मेरी तरह मेरे घर में मुझे छोड़ के सब काफ़ी ब्रांडेड है, तो H&M में घुस के मम्मी पापा पार्ट कुछ शॉपिंग करे थे। मैं तो प्राइस टैग देख के कुछ छूती ही नहीं हूँ, मेरे से नहीं पहने चाहते भैया महंगे कपड़े। पार्ट यहाँ पे कुछ कपड़े ट्राई किए, कुछ लिए, फिर हम मस्त अभी खाना खाने जाएंगे। फोटो नहीं है, क्या हो रहा है गाइस। खा पी के मस्त अब हम जा रहे हैं घर। मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में आज इतनी बार गिरते गिरते बच्ची ना, इतनी बार एकदम ही एब्सेंट माइंडेड। मेरा वाला ट्राई करने का मन है, देखो बहुत सुंदर। गाइस आज इतना अच्छा दिन है, डैड का प्रमोशन आ गया। आई एम सो हैप्पी दिस टाइम, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट। सब सो रहे हैं, मैं चला रही हूँ, बट हम लोग कितने टाइम से वेट कर रहे थे और आज प्रमोशन आ गया। मम्मी को एज सच कोई डिज़ाइन वहाँ पसंद नहीं आई शॉप्स पे, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया फाइनली उनका डायमंड का मंगलसूत्र। मैंने उनको गिफ्ट दे दिया, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, इनफैक्ट सच बोलूँ तो बहुत टाइम से थोड़े थोड़े पैसे सेव कर रही थी कि उनको गिफ्ट दे पाऊँ। और
दे दिया इस बार. आई एम सो हैप्पी फॉर एवरीथिंग. भगवान का दिया हुआ सब कुछ है एंड आई एम सो ग्लैड. मैम पता नहीं, आई एम जस्ट सो हैप्पी टुडे गाइस. तो यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना. और मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलती हूँ, अगले वीडियो में मिलती हूँ. बाय.